ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराया साइक्लोन बंगाल और ओडिशा के रहवासी क्षेत्र में घुसा समुद्र का पानी। बिहार झारखंड में जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवात के कारण सुपर ब्लड मून और चंद्र ग्रहण के साक्षी नहीं बन पाएंगे लोग, बादल और बारिश बनेंगे रोड़ा। चंद्रमा पर आंशिक ग्रहण दोपहर में करीब 3:15 बजे शुरू होगा और शाम को 6:22 पर होगा समाप्त। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम ने दिया संबोधन, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया, भारतीय डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर गर्व। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर राज्यों का विचार जारी, कई राज्यों ने कम अवधि की परीक्षा कराने के विकल्प को चुना, कई ने छात्रों को टीका लगाने पर दिया जोर। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून तक स्थगित की सुनवाई, सीबीआई को अगली सुनवाई तक कार्रवाई करने से रोका। गाजीपुर बॉर्डर से अमृतसर तक किसान मना रहे काला दिवस, घरों की छत पर लगाए काले झंडे, आंदोलन को 6 महीने पूरा होने पर किसान मना रहे काला दिवस। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग किया घोषित, हालात की गंभीरता को देखते हुए लिया गया फैसला। राज्य में ब्लैक फंगस के चलते अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में वैक्सीन के लिए जद्दोजहद जारी, फाइजर की शर्त मानने को केंद्र तैयार, 4 महीने में मिल सकते हैं 5 करोड़ टीके। मॉडर्ना जॉनसन एंड जॉनसन के इनकार के बावजूद विदेशी टीके की उम्मीद कायम। बाबा रामदेव के बयान पर हो रहा विवाद, आईएमए उत्तराखंड ने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का किया केस, कहा योग गुरु लिखित में मांगे माफी। केंद्र के खिलाफ कोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, 3 महीने पुरानी सोशल मीडिया गाइडलाइंस को किया चैलेंज, कहा ये यूजर्स की निजता के अधिकार का हनन। चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में अमेरिका, डॉक्टर फाउची बोले हम कोरोना के ओरिजिन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, अमेरिका WHO की जांच को ले जाएगा आगे। पाकिस्तान में पत्रकार भी नहीं सुरक्षित, घर में घुसकर सेना के आलोचक जर्नलिस्ट के साथ हुई मारपीट, मानवाधिकार संगठनों ने लगाया आरोप, पत्रकारों की आवाज दबा रही इमरान सरकार। जापान के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, समुद्र में ढूंढे दुर्लभ खनिज, नई खोज से 500 वर्षों की जरूरत होगी पूरी, चीन पर निर्भरता होगी खत्म। फिर विवादों में आई किम कार्दाशियां, लॉस एंजलिस में 7 कर्मचारियों ने किया केस, कर्मचारियों ने लगाया आरोप न सैलरी देती हैं न खाने पीने का वक्त। चीन ने श्रीलंका में पसारे पैर, हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद कोलंबो पोर्ट सिटी भी अब चीन के हवाले, कुछ रिपोर्ट्स में दावा यहां का पासपोर्ट भी होगा अलग। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों की सुविधा पर रखा फोकस, फ्लिपकार्ट ने 3 महीने में 23,000 लोगों को नौकरी पर रखा, ऑनलाइन ऑर्डर में आई जबरदस्त तेजी। 2 दिन से अडानी के शेयरों में आई गिरावट, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर खिसके गौतम अडानी, मुकेश अंबानी पहुंचे 13वें नंबर पर। बाबा रामदेव और आईएमए की जंग में कूदे फिल्म मेकर हंसल मेहता, योग गुरु को बताया बेवकूफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और योग गुरु के बीच बहस बनी गंभीर मुद्दा। राधे की बुराई करना केआरके को पड़ा भारी, सलमान खान ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा, इस फिल्म की वजह से सलमान खान को खूब किया गया ट्रोल। UAE में होगा IPL फेज 2, 19 सितंबर से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट, 10 अक्टूबर को फाइनल, 31 मैचों के लिए 10 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे।